नमस्कार एफटी न्यूज में मैं ज्योति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज, चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला सिद्धार्थनगर में आज सुबह NH-233 पर तेज रफ्तार ने कहर ढाया है। जिले में आज सुबह करीब 6 बजे एक बलोनो गाड़ी से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह सभी सिद्धार्थनगर के रक्षैल रहने वाले हैं। पूरा मामला यह है कि यह परिवार मुंडन करवाने मैरवा बिहार जा रहे थे। तेज रफ्तार गाड़ी मधुबनिया कस्बे के पास बढ़या चौराहे पर एक पुलिया से टकराने से यह हादसा हो गया। घटना होने के बाद घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर 6 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 4 का इलाज चल रहा है, जिसमें डॉक्टरों ने 2 घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। शेष 2 का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। सूचना पाकर सभी आला अधिकारियों ने जिला अस्पताल में पहुँच कर मामले की जानकारी ली। वहीं मौजूद परिवार के सदस्य ने घटनाक्रम को बताया। वहीं मौके पर मौजूद जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 का इलाज जारी है। हम लोग मैरवा जा रहे थे, मुंडन में 4:30 बजे घर से निकले थे। मधुबनिया और भसमा के बीच में एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग का मृत्यु हो गया है, 3-4 लोग घायल हैं, सभी फैमिली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रक्सैल से जा रहे थे मैरवा बिहार, मुंडन में जा रहे थे। क्या गाड़ी पलट गई? नहीं, पुलिया पे जो है लड़ गई जा रही। थाना सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनिया कस्बे के आगे एक बेलेनो गाड़ी पुलिया से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार 6 लोगों की मौके पर डेथ हो गई है और घायलों को यही सदर हॉस्पिटल ला करके उनका उपचार कराया जा रहा है। घर वालों से बातचीत करने पर बताया कि हम बच्चे का मुंडन कराने के लिए महनवा बिहार जा रहे हैं। सर, इसमें सीरियस कौन है? एक बच्चा उम्र लगभग 4 साल, वो सीरियस है, उसको गोरखपुर रेफर किया गया है। घायलों की संख्या सर? घायल 3 हैं, जिनका यहाँ उपचार कराया।